नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर की लोकेशन या आपके दुकान की लोकेशन या आपके बिजनेस की लोकेशन सभी को Google मैप पे दिखाई दे, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं या आपके आसपास कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसे मंदिर है जिसको आप Google मैप में ऐड करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप किसी भी लोकेशन को गूगल मैप के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के अंदर गूगल फोल्डर ओपन करना है। ये देखिए, ये मैंने गूगल फोल्डर ओपन कर लिया। उसके बाद में मैप ऑप्शन में जाइए, यहाँ से मैंने मैप ऑप्शन ओपन कर लिया। जब भी आप मैप ऑप्शन ओपन करोगे तो वो आपको आपकी करंट लोकेशन दिखाएगा। अगर आप उसी लोकेशन को गूगल मैप में ऐड करना चाहते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप किसी दूसरी लोकेशन को मैप में ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। उस लोकेशन पे जाने के बाद आप यहाँ से, ये देखिए नीचे कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इस कंट्रीब्यूट पे क्लिक कीजिए। कंट्रीब्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड प्लेस में जाइए, ऐड प्लेस लिखा हुआ है। ऐड प्लेस में जाने के बाद जैसे आप ऐड प्लेस में जाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें वो आपको उस जगह का नाम पूछेगा, उस जगह की कैटेगरी पूछेगा और उस जगह की लोकेशन पूछेगा। आप ऐड नेम में जाके उस जगह का नाम दे दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हो। जैसे एक बार मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया। ऐड कैटेगरी में जाके आप उसकी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी फूड या ड्रिंक है, शॉपिंग है, सर्विसेज है। अगर आपके पास कोई होटल है तो होटल की लोकेशन, रीजनल है यानी मंदिर वगैरह या चर्च वगैरह की आप लोकेशन देना चाहते हो, जिस भी प्रकार की आप लोकेशन देना चाहते हो, आपकी ऑफिस है, कोई इंडस्ट्रीज है, वो किस प्रकार की आपकी कैटेगरी है। मैं यहाँ पर मेरी कैटेगरी एजुकेशनल सेट कर देता हूँ। एजुकेशनल के बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया एजुकेशन सेंटर। तो चलिए, ये मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। अब है ऐड एड्रेस, ऐड एड्रेस पे जाइए और यहाँ से आप अपडेट लोकेशन ऑन मैप, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आपकी लोकेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यानी आप इधर उधर जाके ये जो पॉइंटर है उसको वहाँ पे ले जाइए जहाँ पे आपकी लोकेशन है। ये मैंने लोकेशन सिलेक्ट कर ली और यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे लोकेशन आ गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो इसको यहाँ से फिक्स कर दीजिए और यहाँ से ये आगे वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आप आगे चले जाओगे। ये देखिए, मैंने इन्फॉर्मेशन सेट कर दिए। तो ये बोल रहा है कि प्लेस एडिड, जो आपकी प्लेस है वो एड हो चुकी है। यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट मोर। आप यहाँ पे जाके और भी अगर कोई लोकेशन को ऐड करना चाहते हैं या और भी कुछ गूगल मैप में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सीधा बैक आ जाइए। आपकी लोकेशन को गूगल मैप में अपलोड होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, पहले उसका रिव्यू होता है, उसके बाद में वो लोकेशन ऐड होती है। चलिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।